साले ऐसे भी जरूरी नहीं है लेकिन उनका इंजन जिसका बाइक नहीं जाएगा ऐसा है कि आज एक खुशी का दिन है, खुशी का माहौल है कि नवा बरस में पहला जन्मदिन है जो हमने यहाँ पर देवा साहब का सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और देवा बहुत मेहनती है, और सेकंडली देवा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए खास करके उन्होंने इतना मेहनत किया है कि असंगठित लोगों का जो कामगार है उस विभाग के लिए उन्होंने अपना दिल जान से उन्होंने काम किया है। और देवा जो बोलता है वो करके दिखाता है, और इसलिए माननीय शरद पवार और अजीत पवार उनको बहुत चाहता है नजीक से। और आने वाले दिनों में मैं ये चाहता हूँ कि भगवान के आशीर्वाद से अगर उसको नगर सेवक का टिकट मिलता होगा तो वह अवश्य जीत के आना चाहिए, ऐसा हम लोगों का इच्छा है। मैं फिर एक बार देवा को उसके बर्थडे के लिए शुभ दिन के शुभ अवसर पर उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। विजय हो। देवाना का ये बर्थडे में हमको खास आने के लिए बहुत अच्छा लगा। हर साल मैं इनके साथ में सेलिब्रेट करता है, लेकिन अभी एनसीपी का बड़ा आदमी है और भी बहुत तरक्की करे, ये अपना शुभकामना। बहुत अच्छा लगा कि साल के स्टार्ट में अन्ना के लिए आ सके हम लोग, और बहुत सारा चीज़ को अचीव करना है। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मेरी सब शुभेच्छाएं उनके साथ है और हम लोग उनके साथ है। आप चलो, हम आपके साथ हैं। थैंक यू। हार्दिक शुभेच्छा देवानासाठी। पहिल्यांदा ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली यांच्याबरोबर बर्थडे सेलिब्रेट करायचा, माझ्या कित्येक वर्षापासून आम्हाला बोलवत आहेत पण संधी नाही मिळाली। आज आमचं नशीब की आम्ही यांच्याबरोबर यांचा बर्थडे सेलिब्रेट करतो। थँक्यू। हॅलो, माय नेम इज विनीतो डिसूजा अँड आय एम द नॉर्थवेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फॉर अनऑर्गनायझेशन लेबर सेल, अँड वूड लाईक टू विश देवा अण्णा हॅपी बर्थडे। थँक्यू अँड ऑल द बेस्ट फॉर हिज करिअर। मे ही प्रॉस्पर इन लाईफ अँड इन हेल्थ। देवा भाई का जन्मदिन है, इस ये हम इस अवसर पर हम यहाँ उपस्थित है, और हमारी तरफ से और बाकी सब लोगों की तरफ से इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि देवाना का हैप्पी बर्थडे है, तो सारे गॉड से प्रेयर किया है कि देवाना को गुड लक, सारा चीज़ उनका, सारा चीज़ ये पूरा साल में पूरा बिजनेस फाइनेंस गुड हेल्थ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ पे, यही मेरा आशीर्वाद है देवाना के लिए। थैंक यू। देवा भाई आप ऐसे अच्छे काम करते हो, ये साल और एक बढ़ गया, और आते सालों में और अच्छे अच्छे काम करते जाइए, हम सब आपके साथ हैं। अच्छे आदमी का ही जन्मदिन बहुत ताकत से मनाया जाता है, और इतने वेल विशर जब यहाँ पे है तो इसका मतलब वो पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, ये तो आपके सभी के समझ में आया होगा। उनके बारे में सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ, जब भी किसी को भी ज़रूरत रही, मैं यहाँ पे ACP 2.5 साल तक था, तो मैंने देखा कि कोई भी गरीब आदमी अगर तकलीफ में है तो फिर वो ये नहीं देखेंगे कि वो कौन सी पार्टी का है, कौन से जाति का है, कौन से पंथ का है, लेकिन बिल्कुल उसके लिए वो झगड़ते थे, यानी सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं करते थे, झगड़ते भी थे। तो ये बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहता हूँ ऊपर वाले से, जैसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण, कोई अल्लाह, कोई यीशु, कोई गौतम, कोई महावीर, वो जो परम शक्ति है उसे सिर्फ इतनी विनंती करता हूँ कि उसे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा स्वास्थ्य मिले और उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो, बस इतनी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।
सर भी आए और काफ़ी फ्रेंड्स भी आए, तो क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले मैं आप सभी मित्रगण, हमारे एसीबी साहब ऑस्कर मैडम, हमारे जो जिला अध्यक्ष है वेनिटू डिसूजा नितिन सर, और मेरी तमाम टीम, अलीम भाई, नीलेश भाई, अफसर भाई, इन तमाम टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग आज मुझ जैसे छोटे आदमी के जन्मदिन पे आप सब लोग आए और आप लोगों ने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया। बस मैं आपसे और ईश्वर से यही चाहूँगा कि आप लोग का ऐसे ही साथ मुझे हमेशा मिले, और जो आप लोग का जो साथ और उपस्थिति जो मेरे ज़िंदगी में है, यही मेरी शक्ति है जिसके वजह से मैं लोगों के लिए काम कर पाता हूँ। और जैसे हमारे एसीपी साहब है, हमारे मैडम है, तो जिधर जिधर मेरी चूक होती है तो मुझे जो गाइडलाइंस मिलते हैं, जो मुझे जो मेरी जो मिस्टेक्स जो मुझे बताएं, जो मेरे गुरुस्थान पे है, यही है मैं, हमारे गुरुस्थान जो हर एक चीज़ हमको बताते हैं। हमारी जो अल्पना ताई पेंटर है, जो मुंबई की उपाध्यक्षा है, तो उनका भी हमेशा हमेशा मुझे गाइडलाइंस रहते हैं कि किस तरीके से काम करना चाहिए। और पवार साहब के जो उद्देश्य है, पवार साहब का जो थिंकिंग है, उसको जो जनता है उन तक मैं किस तरीके से पहुँचाऊँ। और आज मेरा बर्थडे एक छोटा सा निमित्त है जिसके लिए हम लोग सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और आगे जाके किस तरीके से पब्लिक की सेवा कर सकूँगा, और मेरे से जितना होगा, और मैं हमेशा मैं साहब को भी परेशानी करता हूँ इसी चीज़ में, तो सर आगे भी आपको परेशानी करते रहूँगा। और आपके आशीर्वाद से और बाकी सबों के आशीर्वाद से मैं और अच्छा काम कर पाऊँ, ये मेरा एक उद्देश्य रहेगा। और आप सब लोग आ जाए इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।